आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। लीजिए, 8 बजने को चले हैं और हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम का नाम है अंदाज अपना अपना। इस शो में हम हैं आपके साथ आरजे सैफ और आप तमाम लोग हैं हमारे साथ। हम जानते हैं कि आपको इस शो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इसलिए हम बिला ताखीर इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी तकलीफ़ों में या अपने आराम में हम एक चीज़ को अक्सर याद रखते हैं, वह है ऊपर वाला, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कभी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं और हमें कोई भी वो शख्स नज़र नहीं आता जिससे कि हम शिकायत कर सकें, तो हमारे पास एक ही सेफ साइड होती है, एक ही सेफ हमारे पास रास्ता होता है, और वह खुदा से शिकायत कर लेना। उससे शिकायत करके हम एक तो इस बात का एहसास हमें होता रहता है कि वाकई दुनिया में कोई तो एक शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, और दूसरी बात यह कि हम अपने दिल की भड़ास कम से कम उस सर्वशक्तिमान पर निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें सुनता ज़रूर है। आइए हम भी अपने दुखों को लेकर उस खुदा के, उस ईश्वर के बारगाह में चलें, उससे थोड़ी सी शिकायत कर लें। सितारे तू दुख दूर करे तो मेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, गुनगाऊं सुबह शाम, राम में ही तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। जगत में बस एक अपना,
साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मुंह मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योत जगाई। मन की बुझती ज्योत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे, आया मैं तेरे धाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू। दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के। ओ जा भीरे जाए राहे, हम संग हैं। ना जा कहीं अब ना जा, ये है तेरे गरम कभी खुशी कभी गम। तेरे बिना नहीं जीना, मर जाना ढोलना। उड़ान आइडल 3 जून से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। दोस्तों, आज हमारा कुछ मिजाज, कुछ मन ठीक नहीं था, कुछ मन अपने आपे में नहीं था दिल हमारा। इसलिए हमारा ये इरादा बन रहा था कि आज का शो हम मुलतवी कर दें, लेकिन अब ये मोहब्बतें हमारे हर परेशानी का हल निकाल लाती है कहीं ना कहीं। तो हमने सोचा चलिए चलते हैं आज आपके साथ और आपके से बात करके अपने दुखों को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि मौसम का भी तकाजा है, जब मौसम इस तरह का होता है तो पुराने जख्म हरे हो ही जाते हैं। आपसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप
इस शो में लाइव कॉल में आएं और हमारे साथ अपने विचार शेयर करें, अपनी बातें बताएं हमें और अपनी पसंद के गीत हमें सुनने के लिए हमसे कहें, ताकि हमारा कुछ मन बहले, कुछ ध्यान बटे और कुछ नयापन इस शो में और नजर आए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDN। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको लाइव कॉल में लेके आपका गीत मुमकिन हो सका तो जरूर बजाएंगे। दोस्तों, दुनिया में लोग चले जाते हैं और हम ये जानते हैं कि जाने वाला हमसे जुदा हो रहा है और कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बंधी रहती है कि हाँ, शायद कोई एक लम्हा ऐसा हो, कोई एक दिन ऐसा हो, कोई एक सूरज ऐसा उगे जो अपने साथ उस कभी ना आने वाले मुसाफिर को ले आए। लेकिन कभी कभी ये हमारा वहम होता है, कभी कभी ये उम्मीद उस ख्याल को जिंदा रखती है, उसकी याद को जिंदा रखती है जो चला जाता है। आइए देखें यहां क्या हो रहा है। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। Thank you.
या पानी नहीं हम भूलने वाले नहीं तुम भूलने वाले चलो एक दूसरे को कर रब दे हवाले मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले चलो एक दूसरे को कर रब दे हवाले मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले चलो एक दूसरे को कर रब दे हवाले आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020 जी हाँ रेडियो उड़ान आरजे लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020 जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ एक मंजिल रोजगार की ओर इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudaan.com हैप्पी लिसनिंग दो बहुत 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 खैर मकदम करते हैं हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं मीनल सिंघवी जी हैदराबाद से मीनल जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अंदाज अपना अपना में शुक्रिया साहब सर बहुत दिनों के बाद काफी अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा मतलब अपसेट सा लग रहा है कोई सैड सा माहौल चल रहा है ऐसा फील आ रहा है मुझे जी तो कोई स्पेशल कोई खास रीजन या नहीं नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी लेकिन खैर अच्छा लग रहा है कभी कभी ऐसे भी गाने सुनने में मतलब अच्छा लगता है दिल को भी सुकून लगता है ऐसे नहीं कि मूड खराब है लेकिन फिर भी गाने कभी कोई कोई गाने इतने अच्छे गाए हुए होते हैं जो मन को बहुत अच्छा लगते हैं जी तो मैं भी उसी तरीके का एक गाना है की फरमाइश लेके आई हूँ जी बताएं ओम शांति ओम जो है शाहरुख खान की जो कर्ज की वापस रीमेक बनी थी जी उसका एक गाना है छन से जो टूटे कोई सपना बहुत खूबसूरत वो गाना मैं सुन बेशक बहुत खूबसूरत गीत है और हमारे साथ किसी हद तक बैकबोन और रेडियो उड़ान भी शायद जुड़े हुए हैं जुड़े हैं क्या जी हाँ बिल्कुल जी भाई साहब आप भी बताने लगे हाथ क्या सुनना पसंद करेंगे क्या कह रहे हो खैर पहले मीनल जी का गाना सुनते हैं उसके बाद हम आपसे मुखातिब होंगे मीनल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं जी शुक्रिया सर
जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे चन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। बिट्टू हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं।
अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, 27 मिनट हो चुके हैं 8 बज के, और हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था, बैकबोन रेडियो उड़ान। ये अगर ना हो तो रेडियो उड़ान खड़ा नहीं रह सकता भाई, ये आप जान लीजिए। तो इनके अलावा हम किशन कुमार शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं, जिनको अभी अभी ये पता चला है कि ये शो है रेडियो उड़ान और वो इसमें शामिल हो चुके हैं। हम ये चाहेंगे कि वो आए कॉल में और इस शो में अपनी शिरकत करें, अपना पसंदीदा गीत बताएं। फिलहाल हम अपने बैकबोन रेडियो उड़ान यानी राजीव भामरी जी से बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। जी राजीव भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद सैफ साहब और सभी सुनने वालों को, राजीव भामरी का नमस्कार। कहिए कैसा लग रहा है शो आपको? शो बहुत अच्छा लग रहा है, एज यूजुअल जो है आपका जो है थीम और गाने का चयन जो होता है हमेशा की तरह लाजवाब है, और उसी कड़ी में आज भी हम भी जुड़ गए हैं। हम भी अपनी एक दरख्वास्त देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप उसको पूरी करेंगे, जिससे कि हम भी और सारे श्रोतागण भी उस मधुर गीत को सुन सके। क्या बात है साहब, आप का हुक्म हो और हम पूरा ना करेंगे, कभी हो नहीं सकता, फरमाएं। जी मैं सुनना चाहूंगा एक 50 के दशक की पिक्चर, 1957 की एक पिक्चर है आगरा रोड, उसका एक गाना है उनसे रिपी टिप्पी हो गई। वाह, ये इस गीत के पीछे कुछ कहानी या कोई ऐसी बात है कुछ, क्योंकि आप जब भी कुछ सुनते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर जुड़ी होती है, अगर इसके पीछे कोई दिलचस्प वाकया है तो आप फरमाएं। नहीं, इस गाने के पीछे तो मेरे को कोई वाकया याद नहीं आ रहा, पर यह बड़ा कैची नंबर है, जब मैंने इसको सुना था तो मेरे को भी पसंद आया और मैं यही चाहूंगा कि सारे श्रोतागण इसको सुने और इसका लुत्फ ले। आमतौर पर होता है राजीव भाई कि ये भूले बिस्मित गीतों में शामिल हो जाते हैं और लोग अक्सर इन्हें याद नहीं रखते, तो हम ये भूली बिसरी यादें लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आज की जनरेशन को भी पता लगे कि हमारे उस दौर के जो म्यूजिशियंस थे और गीतकार थे वो अभावों में किस तरह से रिकॉर्डिंग करते थे और कितनी परफेक्शन के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। आप तशरीफ लाए राजीव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सैफ साहब और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के शो के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रिपी टिप्पी हो गई, जान बात पक्की हो गई, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। रिपी टिप्पी हो गई, हो हो हो, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। बदल गया है आपसे, एक नजर में हो गए हैं आपके, एक नजर में हो गए हैं आपके,
जान दीजिए यही तो है अदाए प्यार की, जान दीजिए यही तो है अदाए प्यार की। हो गई करूं तुम करूं पूछते हो क्या करें, तीर मार के हम इसे पूछते हो क्या करें। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radiouran.com। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं शो में, और हम आपके बड़े एहसान मंद हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप हमें अपनी फरमाइशें बताते हैं ताकि हम आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचाएं। आप ये जानते हैं कि ये शो हम सिर्फ आपके लिए पेश करते हैं और आपकी आवाज, आपका, आपकी फरमाइश ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम जिक्र कर रहे थे दोस्तों मौसम की तब्दीली से या मौसम के बदल जाने से अक्सर हमारे मन के भी हालात बदल जाते हैं। वो तमाम चीज़ें याद आने लगती हैं जो कि गुजरे हुए वक्त की खाक में दफन हो जाती हैं। वो फिर रात में दबी हुई चिंगारी की तरह उठने लगती हैं, रोशन होने लगती हैं और एक शोला सा दिल में पैदा कर देती हैं, जो शोला यादों की एक भड़कती हुई आग बन जाता है। ये किस तरह होता है आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। आइए जरा देखें यहां क्या हो रहा है।
लॉन्च किया है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रूपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं हम आपको इस बार एक बार फिर से इस शो में जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि ये जो यादों का सफर है, ये जो यादों का सिलसिला है, लोग ये कहते हैं कि आप पुराने यादों में अगर खोए रहेंगे तो बस वहीं के होके रह जाएंगे, आप इससे बाहर क्यों नहीं आते। दोस्तों, कोई जानबूझकर अपनी यादों में नहीं जाना चाहता, हालात उसे वहां तक ले जाते हैं। और याद तो उसे किया जाता है जिसे भूला गया हो, जिसे भूला ही नहीं किया उसे याद कोई क्या करेगा। इंसान या हालात या वक्त या मुलाकातें या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा लम्हा जो कि जहन में अपना घर बना लेता है, वो खुद ब खुद बनाता है। उसमें कुछ बात होती है ऐसी, वरना हमारे साथ हजारों तरह के हादसात होते हैं, हजारों लोग हमसे मिलते हैं, हजारों लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वो आपके जहन का हिस्सा तो नहीं बन के रह जाते ना।
मोहब्बत की है तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है मैंने ऐ जान वफा इस भरोसे पे के मिल जाए सहारा मुझको इस भरोसे पे के मिल जाए सहारा मुझको तुम पे कुर्बान तुम पे कुर्बान दिलो जाने की दौलत की है मैंने जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है तुमने एक दर्द मुझे सदके हो किसी पर ये कहा मुमकिन था हुस्न सदके हो किसी पर ये कहा मुमकिन था तुमने मुझ पर मेरा दिल लेके इनायत की है तुमसे मोहब्बत की है मोहब्बत की है तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है मैंने जाने वफा मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं यार तू भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है हमको नहीं मजा मुझे आता ब्रेल से यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूं शिट ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा लाइट चली गई है उफ अब मैं कैसे पढूं काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ
दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम हैं आरजे सैफ, और वो लोग जिन्होंने लेट ट्यून किया है उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, www.radiouran.com। ये एक चैनल है जो कि विकलांगों द्वारा चलाया जाता है, और इम्पेयरमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस रेडियो पर दी जाती है। तो आप इस शो में हैं जिसका नाम है अंदाज अपना अपना, इसके होस्ट हैं आरजे सैफ, और इस वक्त तकरीबन 12 मिनट हैं हमारे पास शो के लिए। तो दोस्तों, हम ये जिक्र कर रहे थे कि जब हालात ऐसे होते हैं, मोहब्बत में लोग मसरूर हो जाते हैं, फिर अगर कहीं किसी एक को उनमें से गलत फहमी का शिकार होकर धोखा मिल जाए मोहब्बत में, तो उस पर जानते हैं क्या बीतती है। बहुत बुरी बीतती है उस पर, हालांकि उसका महबूब चला जाता है उसे छोड़कर, लेकिन फिर भी वो महबूबा उसकी याद में मुंतजर रहती है, आंखें बिछाई रहती है। दिया जलाए
तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों अब हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपसे और बात कर सकें। बस इतना ही बताकर जाना चाहेंगे दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी की तमाम कहानियाँ, हम राइटर्स, हम लेखक, हम शायर लोग जीते हैं, जो जीते हैं वही लिखते हैं। इतना याद रखिएगा आप जो कुछ भी हमारा लिखा हुआ पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हमारे खून से लिखा जाता है, हमारे लहू का कतरा होता है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि अगला शो बोलती तस्वीरें तैयार है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। आरजे सैफ को इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमारी जिंदगी की सच्चाई ये है।
दीवाने दुनिया क्या जाने क्यों गीत गाता हूँ मैं गीतों के बहाने दिल के फसाने उसको सुनाता हूँ मैं वो जिसकी मुझ पे बड़ी मेहरबानियाँ है गीतों में मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है कमाल सी नाजुक ख्याल सी डाली गुलाब की है लड़की है लेकिन लगता है वो एक बोतल शराब की है ओ उसकी अखियां बड़ी मस्तानियां है गीतों में मेरे गीतों में मेरी मेरे गीतों में मेरी कहानियां है ओ कलियों का बचपन है फूलों की जवानियां है गीतों में मेरे गीतों में मेरी कहानियां है मेरे गीतों में मेरी कहानियां